हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप सब स्वस्थ हैं। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये गर्मियों में खाई जाती है ज़्यादातर ये वाली रेसिपी जो है, बट आप इस टाइम पे भी इसको खा सकते हैं। यह है आम की खट्टी मीठी और मिर्ची वाली चटनी, एकदम चटपटी वाली चटनी, जिसे आप घर में बहुत अच्छे से बना के खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हम देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आम को ऐसे ही थोड़ा छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया है, और मैं आम की गुठलियों को भी नहीं फेंकूंगी, इसके साथ ही पकाऊंगी। तो मैंने आम को ऐसे ही थोड़ा सा चॉप कर लिया है। एक आम मेरा थोड़ा सा येलोइश हो गया था, बट कोई बात नहीं। इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, थोड़ा सा जीरा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और इसको बनाने के लिए एक चम्मच मैंने चीनी लिया है। इसको छौंकने के लिए मैंने यहाँ पे सरसों का दाना मतलब राई और दो लाल सूखी मिर्च ले लिया है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है, और खाने में उतनी ही टेस्टी बनती है ये रेसिपी। आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको बना लेते हैं। अब इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गरम करने रख दिया है। कढ़ाई मेरी गरम हो चुकी है, और इसको बनाना है हमें सरसों के तेल में ही, तो ही इसका फ्लेवर जो है अच्छा आएगा। तो तेल मेरी गरम हो चुकी है। अब इस तेल के अंदर हमें सरसों के दाने मतलब सरसों के बीज, राई और जो हमारा लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च है, उसको मैं डाल दूंगी। और फ्रेंड यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा आप दूर हट जाइए, क्योंकि ये चटकता है और बहुत ही दूर तक ये जाता है। तो इसको चटकने दीजिए। जैसे ही हमारा राई चटक जाएगा, इसी के अंदर हम डाल देंगे हमारा जो आम है उसको। आम को डालने के बाद थोड़ा सा ऐसे ही हम मिला लेंगे तेल के साथ और राई के साथ, और इसी के अंदर हम एक एक करके हमारे जो मसाले हैं उसको डाल देंगे। सारा जो हमारा नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, सारी चीज़ों को ऐसे ही इसमें डाल देंगे हम थोड़ी देर, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे चीनी को पहले मिलाना नहीं है, क्योंकि आप अगर चीनी को पहले मिला देंगे तो चीनी डालने के बाद जो हमारा आम है वो गलता नहीं है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर ऐसे ही मसालों के साथ इसको 1 से 2 मिनट ढक के रखा है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, आपको दिख ही रहा है, इसमें से ग्रेवी निकलना शुरू हो गया है। अब इसी के अंदर आप पानी डाल लीजिए, आपको जितना थिक ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डाल लीजिए। मेरे को थोड़ा सा थिक ग्रेवी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब इसको फिर से मैं 2 मिनट ढक दूंगी, इसको ढक के पकाऊंगी। गैस के फ्लेम को यहाँ पे मीडियम करके रख दूंगी। तो ये बहुत जल्दी गल जाता है और खाने में उतना ही टेस्टी होता है। तो 2 मिनट मेरे हो चुके हैं, और देखिए मेरी जो आम की चटनी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गाढ़ी गाढ़ी हो चुकी है, आम बिल्कुल गल गया है। इसी के अंदर हमें चीनी मिला देना है। चीनी को डालते ही हमारा रेसिपी बिल्कुल झट से बन के रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी खा के एक बार देखिएगा आप, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप ऐसे करके इसको ट्राई करिएगा। इसके अंदर आप काजू किशमिश भी डाल सकते हैं, बट मुझे वो पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो देखिए फ्रेंड, मेरी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, आम की खट्टी मीठी और मिर्ची वाली चटपटी चटनी। आप इसको एक बार इस तरह से बना के देखिएगा, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेरा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए और कमेंट करते रहिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।